ये तस्वीर है मधुबनी के राजनगर प्रखंड के रामपट्टी मध्य विद्यालय की। यहाँ गांव के हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लोगों का मानना है कि उनके बच्चे यहाँ से पढ़ लिख देश के विकास में भागीदार बनेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस स्कूल में भेदभाव का मंजर दिखाई देता है। आरोप ये लगता है कि यहाँ का रसोईया दो तरह का भोजन पकाता है, एक गरीब तबके के लिए जिसे जैसे तैसे अधपका और उसमें सड़े आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरे किस्म का भोजन यहीं के अधिकारी और थोड़े अच्छे तबके के बच्चों के लिए बनाया जाता है। हालांकि इसकी शिकायत कई बार स्कूली बच्चों ने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब इसकी शिकायत यहाँ के DPO को दी गई है तो उन्होंने इस मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। अपने लिए अलग से बनाते हैं और बच्चों के लिए अलग से, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो कैसे अपने लिए बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। जब भी बनेगा बच्चों के लिए बनेगा। क्या अपने लिए और चखना भी है तो बच्चों का जो खाना बन रहा है उसमें से चखे और वही जो बच्चों को सप्लाई होगा उसी को चखे उनको सप्लाई करें। आपको जो सर दिखाया गया वीडियो उस स्कूल का, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है HM पर? नहीं, पहले उनसे हम कन्फर्म करेंगे कि क्या मामला है, तो आपका हम देख रहे हैं और क्यों बनवा रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए बना है या फिर अपने लिए बनवा है, और यदि ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। बहरहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन मधुबनी के दर्शक के इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी अगर कार्रवाई करते हैं तो लाभ बच्चों को ही होगा और उम्मीद की जा सकेगी कि समाज में भेदभाव मिटेगा। मैं भी हूं रिपोर्टर के लिए मधुबनी से अखलाक सिद्दीकी।